अब इनके यहूदियों का हाल देखिए, इतने मीठे बोल बोलते हैं कि आप इनसे मुतासिर हो जाते हैं। अरे यार, ये तो मेरे बड़े खैरख्वाह हैं, इनकी मोहब्बत में, अरे ये लोग हमारा बड़ा भला चाहते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने नारा दिया, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। आपको बड़ा अच्छा लगा, हाँ यार क्यों, फैमिली प्लानिंग के तहत इतनी इनकम है नहीं, बच्चे कैसे पालोगे, कहाँ से खिलाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कैसे लिखाओगे, इसलिए बच्चे दो ही पालना। आप बच्चे दो बहुत हैं, दो बच्चे बहुत हैं, इसका नारा दिया गया। और मुसलमान इतना मुतासर हुआ कि हाँ वाकई में कितने बड़े खैर ख्वाह हैं हमारे, हमारी इन्होंने फैमिली प्लानिंग के चक्कर हमारे इतने बड़े खैर ख्वाह, हमें तो समझ भी नहीं आया था बच्चे दो कम दो पालो तो आसानी से पल जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो खूब बच्चे जनती हो और खूब मोहब्बत करने वाली हो, यानी बच्चा खूब पैदा करो। मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों की कसरत पर फख्र करूँगा, हुजूर तो ये फरमा रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आया हमारे। इन्होंने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, यकीन हो गया हाँ यार बच्चे दो ही अच्छे, अल्लाह के नबी की बात समझ में नहीं आई हमारे, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम फंस गए और बच्चे दो पैदा करने हमने नसबंदी करा ली। क्या नहीं यार, वो रज़ाक हम हैं, हम दे नहीं पाएंगे रिज़्क़ इनको। अरे बच्चे जो अल्लाह ताला कह रहा है कि नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी खिलाएंगे उनको भी खिलाएंगे, अपनी औलादों को गरीबी के फकीरी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी खिलाते हैं और उनको भी खिलाएंगे, मत मारो इनको। अब बच्चे पैदा करना तुम्हारा काम है, खिलाना पालना, पालने वाला सबको मालूम है कि रब है, पूरी दुनिया को पालता है, यतीमों को भी पालता है, उनको भी पालता है जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी पल जाते हैं, सबको पालता है। और खाना भी कोई भी ऐसा नहीं कि उनका रब उनको भूखा मार दे, अपने अमाल से बात अलग है, काहिली और अपने अमाल से बात अलग है। वरना अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हें रिस्क देते हैं, हम उनको भी रिस्क देंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो खूब बच्चे पैदा करने वाली हों और खूब मोहब्बत करने वाली हों। अब जब बच्चे होंगे तभी होंगे जब मोहब्बत होगी, तो ऐसी औरतों से निकाह करो। या हम ऐसे देखते हैं शादी तो हुई नहीं, शादी होते ही पहली फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी कि बस बच्चे दो ही होंगे इसके बाद में ख़त्म। और इस नारे को हम लोग इतना अच्छा समझते हैं कि चक्कर फंस गए।